कौन है सात महान ऋषि? ऋग्वेद में लगभग 1000 सूक्त हैं, यानी लगभग 10,000 मंत्र हैं। चारों वेदों में करीब 20,000 से ज्यादा मंत्र हैं और इन मंत्रों के रचयिता कवियों को हम ऋषि कहते हैं। बाकी तीन वेदों के मंत्रों की तरह ऋग्वेद के मंत्रों की रचना में भी अनेकानेक ऋषियों का योगदान रहा है, पर इनमें भी सात ऋषि ऐसे हैं जिनके कुलों में मंत्र रचयिता ऋषियों की एक लंबी परंपरा रही। ये कुल परंपरा ऋग्वेद के सूक्त 10 मंडलों में संग्रहित हैं और इनमें 2 से 7 यानी 6 मंडल ऐसे हैं जिन्हें हम परंपरा से वंशमंडल कहते हैं, क्योंकि इनमें 6 ऋषिकुलों के ऋषियों के मंत्र इकट्ठा कर दिए गए हैं। आकाश में 7 तारों का एक मंडल नजर आता है, उन्हें सप्तर्षियों का मंडल कहा जाता है। उक्त मंडल के तारों के नाम भारत के महान 7 संतों के नाम पर ही रखे गए हैं। वेदों में उक्त मंडल की स्थिति, गति, दूरी और विस्तार की विस्तृत चर्चा मिलती है। प्रत्येक मन्वंतर में अगल अगल सप्तऋषि हुए हैं। यहाँ प्रस्तुत है वैवस्वत मनु के काल के सप्तऋषियों का परिचय। सप्तऋषि के पहले ऋषि जिनके पास थी कामधेनु गाय वशिष्ठ, राजा दशरथ के कुलगुरु ऋषि वशिष्ठ को कौन नहीं जानता। ये दशरथ के चारों पुत्रों के गुरु थे। वशिष्ठ के कहने पर दशरथ ने अपने चारों पुत्रों को ऋषि विश्वामित्र के साथ आश्रम में राक्षसों का वध करने के लिए भेज दिया था। कामधेनु गाय के लिए वशिष्ठ और विश्वामित्र में युद्ध भी हुआ था। वशिष्ठ ने राजसत्ता पर अंकुश का विचार दिया तो उनीर के कुल के मैत्रावरुण वशिष्ठ ने सरस्वती नदी के किनारे 100 सूक्त एक साथ रचकर नया इतिहास बनाया। दूसरे महान ऋषि मंत्र शक्ति के ज्ञाता और स्वर्ग निर्माता विश्वामित्र, ऋषि होने के पूर्व विश्वामित्र राजा थे और ऋषि वशिष्ठ से कामधेनु गाय को हड़पने के लिए उन्होंने युद्ध किया था, लेकिन वे हार गए। इस हार ने ही उन्हें घोर तपस्या के लिए प्रेरित किया। विश्वामित्र की तपस्या और मेनका द्वारा उनकी तपस्या भंग करने की कथा जगत प्रसिद्ध है। विश्वामित्र ने अपनी तपस्या के बल पर त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेज दिया था, लेकिन स्वर्ग में उन्हें जगह नहीं मिली तो विश्वामित्र ने एक नए स्वर्ग की रचना कर डाली थी। इस तरह ऋषि विश्वामित्र के असंख्य किस्से हैं। माना जाता है कि हरिद्वार में आज जहां शांति कुंज है उसी स्थान पर विश्वामित्र ने घोर तपस्या करके इंद्र से रुष्ट होकर एक अलग ही स्वर्ग लोक की रचना कर दी थी। विश्वामित्र ने इस देश को ऋचा बनाने की विद्या दी और गायत्री मंत्र की रचना की जो भारत के हृदय में और जिना पर हजारों सालों से आज तक अनवरत निवास कर रहा है। तीसरे महान ऋषि ने बताया ज्ञान विज्ञान तथा अनिष्ट निवारण का मार्ग कब। माना जाता है इस देश के सबसे महत्वपूर्ण यज्ञ सोमयज्ञ को कण्वों ने व्यवस्थित किया, तब वैदिक काल के ऋषि थे। इन्हीं के आश्रम में हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत की पत्नी शकुंतला एवं उनके पुत्र भरत का पालन पोषण हुआ था। 103 सूक्त वाले ऋग्वेद के 8वें मंडल के अधिकांश मंत्र महर्षि कव तथा उनके वंशजों तथा गोत्रजों द्वारा दृष्ट हैं। कुछ सूक्तों के अन्य भी दृष्ट ऋषि हैं, किंतु प्राधान्येन व्यपदेशा भावन्ति के अनुसार महर्षि कव अष्टम मंडल के दृष्टा ऋषि कहे गए हैं। इनमें लौकिक ज्ञान विज्ञान तथा अनिष्ट निवारण संबंधी उपयोगी मंत्र हैं। सोनभद्र में जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर की दूरी पर कैमूर श्रृंखला के शीर्ष स्थल पर स्थित कव ऋषि की तपस्थली है जो कंडाकोट नाम से जानी जाती है। चौथे महान ऋषि जिन्होंने दुनिया को बताया विमान उड़ाना भारद्वाज। वैदिक ऋषियों में भारद्वाज ऋषि का उच्च स्थान है। भारद्वाज के पिता बृहस्पति और माता ममता थी। भारद्वाज ऋषि राम के पूर्व हुए थे, लेकिन एक उल्लेख अनुसार उनकी लंबी आयु का पता चलता है कि वनवास के समय श्रीराम इनके आश्रम में गए थे, जो ऐतिहासिक दृष्टि से त्रेता द्वापर का संधिकाल था। माना जाता है कि भारद्वाजों में से एक भारद्वाज विदत्त ने दुष्यंत पुत्र भरत का उत्तराधिकारी बन राजकाज करते हुए मंत्र रचना जारी रखी। ऋषि भारद्वाज के पुत्रों में 10 ऋषि ऋग्वेद के मंत्र दृष्टा हैं और एक पुत्री जिसका नाम रात्रि था वह भी रात्रि सूक्त की मंत्र दृष्टा मानी गई है। ऋग्वेद के 6 मंडल के दृष्टा भारद्वाज ऋषि हैं। इस मंडल में भारद्वाज के 765 मंत्र हैं। अथर्ववेद में भी भारद्वाज के 23 मंत्र मिलते हैं। भारद्वाज स्मृति एवं भारद्वाज संहिता के रचनाकार भी ऋषि भारद्वाज ही थे। ऋषि भारद्वाज ने यंत्र सर्वस्व नामक बृहद ग्रंथ की रचना की थी। इस ग्रंथ का कुछ भाग स्वामी ब्रह्म मुनि ने विमान शास्त्र के नाम से प्रकाशित कराया है।
इस ग्रंथ में उच्च और निम्न स्तर पर विचरने वाले विमानों के लिए विविध धातुओं के निर्माण का वर्णन मिलता है। पांचवें महान ऋषि पारसी धर्म संस्थापक कुल के और जिन्होंने बताया खेती करना। पांच, अत्रि ऋग्वेद के पंचम मंडल के दृष्टा महर्षि अत्रि ब्रह्मा के पुत्र सोम के पिता और कर्दम प्रजापति व देवहूति की पुत्री अनुसुया के पति थे। अत्रि जब बाहर गए थे तब त्रिदेव अनुसुया के घर ब्राह्मण के भेष में भिक्षा मांगने लगे और अनुसुया से कहा कि जब आप अपने संपूर्ण वस्त्र उतार देंगी तभी हम भिक्षा स्वीकार करेंगे। तब अनुसुया ने अपने सतीत्व के बल पर उक्त तीनों देवों को अबोध बालक बनाकर उन्हें भिक्षा दी। माता अनुसुया ने देवी सीता को पतिव्रत का उपदेश दिया था। अत्रि ऋषि ने इस देश में कृषि के विकास में पृथु और ऋषभ की तरह योगदान दिया था। अत्रि लोग ही सिंधु पार करके पारस आज का ईरान चले गए थे जहां उन्होंने यज्ञ का प्रचार किया। अत्रियों के कारण ही अग्निपूजकों के धर्म पारसी धर्म का सूत्रपात हुआ। अत्रि ऋषि का आश्रम चित्रकूट में था। मान्यता है कि अत्रि दंपति की तपस्या और त्रिदेवों की प्रसन्नता के फलस्वरूप विष्णु के अंश से महायोगी दत्तात्रेय, ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा तथा शंकर के अंश से महामुनि दुर्वासा महर्षि अत्रि एवं देवी अनुसुया के पुत्र रूप में जन्मे। ऋषि अत्रि पर अश्विनी कुमारों की भी कृपा थी। छठवें ऋषि शास्त्रीय संगीत के रचनाकार वामदेव ने इस देश को सामगान अर्थात संगीत दिया। वामदेव ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के सूक्त दृष्टा गौतम ऋषि के पुत्र तथा जन्मत्रयी के तत्ववेता माने जाते हैं। भरत मुनि द्वारा रचित भरत नाट्य शास्त्र सामवेद से ही प्रेरित है। हजारों वर्ष पूर्व लिखे गए सामवेद में संगीत और वाद्य यंत्रों की संपूर्ण जानकारी मिलती है। वामदेव जब माँ के गर्भ में थे तभी से उन्हें अपने पूर्व जन्म आदि का ज्ञान हो गया था। उन्होंने सोचा माँ की योनि से तो सभी जन्म लेते हैं और यह कष्टकर है, अतः माँ का पेट फाड़कर बाहर निकलना चाहिए। वामदेव की माँ को इसका आभास हो गया, अतः उसने अपने जीवन को संकट में पड़ा जानकर देवी अदिति से रक्षा की कामना की। तब वामदेव ने इंद्र को अपने समस्त ज्ञान का परिचय देकर योग से शयन पक्षी का रूप धारण किया तथा अपनी माता के उदर से बिना कष्ट दिए बाहर निकल आए। सातवें ऋषि गुरुकुल परंपरा के अग्रज शौनक ने 10,000 विद्यार्थियों के गुरुकुल को चलाकर कुलपति का विलक्षण सम्मान हासिल किया और किसी भी ऋषि ने ऐसा सम्मान पहली बार हासिल किया। वैदिक आचार्य और ऋषि जो शुनक ऋषि के पुत्र थे, फिर से बताएं तो वशिष्ठ, विश्वामित्र, कव, भरद्वाज, अत्रि, वामदेव और शौनक ये हैं वे सात ऋषि जिन्होंने इस देश को इतना कुछ दे डाला कि कृतज्ञ देश ने इन्हें आकाश के तारामंडल में बिठाकर एक ऐसा अमृतत्व दे दिया कि सप्तर्षि शब्द सुनते ही हमारी कल्पना आकाश के तारामंडलों पर टिक जाती है। इसके अलावा मान्यता है कि अगस्त्य, कश्यप, अष्टावक्र, याज्ञवल्क्य, कात्यायन, ऐत्रेय, कपिल, जैमिनी, गौतम आदि सभी ऋषि उक्त सात ऋषियों के कुल के होने के कारण इन्हें भी वही दर्जा प्राप्त है। अंत में पढ़े कुछ खास तथ्य की बातें। वेदों का अध्ययन करने पर जिन सात ऋषियों या ऋषि कुल के नामों का पता चलता है वे नाम क्रमशः इस प्रकार है। 1. वशिष्ठ, 2. विश्वामित्र, 3. तव, 4. भारद्वाज, 5. अत्रि, 6. वामदेव और 7. शौनक। पुराणों में सप्त ऋषि के नाम पर भिन्न भिन्न नामावली मिलती है। विष्णु पुराण अनुसार इस मन्वंतर के सप्त ऋषि इस प्रकार है। वशिष्ठ काश्यपो यात्र जमदग्निस्गौत, विश्वामित्र भारद्वजो सप्त सप्तर्षयो भवन, अर्थात सातवें मन्वंतर में सप्त ऋषि इस प्रकार हैं। वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज। इसके अलावा पुराणों की अन्य नामावली इस प्रकार है। ये क्रमशः केतु, पुला, पुलस्त्य, अत्रि, आंगिरा, वशिष्ठ तथा मारीची है। महाभारत में सप्तर्षियों की दो नामावलियां मिलती हैं। एक नामावली में कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि और वशिष्ठ के नाम आते हैं तो दूसरी नामावली में पांच नाम बदल जाते हैं। कश्यप और वशिष्ठ वही रहते हैं पर बाकी के बदले मरीचि, अंगिरस, पुलस्त्य, पुलह और क्रतु नाम आ जाते हैं। कुछ पुराणों में कश्यप और मरीचि को एक माना गया है तो कहीं कश्यप और कव को पर्यायवाची माना गया है। यहाँ प्रस्तुत है वैदिक नामावली अनुसार सप्तऋषियों का परिचय। अगर ये जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।